हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी योर ब्रदर दानिश। करता हूँ सारे भाई बढ़िया हो गए, मैं बहुत बढ़िया हूँ। वीडियो कर दो लाइक, चैनल कर दो सब्सक्राइब। आज मैं आया हूँ करोल बाग में, और करोल बाग में ऑटो नेक्स्ट में हूँ इस टाइम पे। और यहाँ पे जो क्रेटा काम हुआ है, BSS कंप्लाइंट की कार रहने वाली है। इसमें जो काम हुआ है भाई साहब, अल्टीमेट लेवल का काम हुआ है। भैया ने अपने टेस्टफुली जो है काम इसमें करवाया है। बाकी भैया से मिलवाता हूँ। भैया कहाँ से आए भैया आप? हरियाणा से आया हूँ। हरियाणा में कौन जगह से आए आप? देखते तो हम फरीदाबाद है भाई। अच्छा अच्छा अच्छा, तो काम जो हुआ है कैसा हुआ है? काम बिल्कुल बढ़िया हुआ है। अच्छा, ज़्यादा टाइम तो नहीं लिया? ना ना, बिल्कुल नहीं टाइम नहीं कहा। अब जो इसमें JBL का जो इसमें बेस्टी वगैरह आई है, और जो सोनी का वो आएगा एम्पलीफायर वगैरह आया है, तो उसके लिए कोई वायर वायर कट नहीं करी? ना ना, ऐसा कुछ नहीं था। छोटी मोटी कमियां थी, वो कहीं उन्होंने हमने बता दी उनको। अच्छा। फिर एक्यूरेट हो गया वो काम। ठीक है, मतलब आपके हिसाब से काम हुआ सारा सही है। जो चार्ज कर रहे हैं वो कैसा लगा? मांगे ना रहे कुछ भी। अच्छा, नहीं ऐसा तो नहीं कि मतलब मार्केट ज्यादा लग रहा आपको? ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं है। सही है, तो आपके हिसाब से काम हुआ बढ़िया है? ठीक है जी, तो ये टाइमली हो गया काम, फटाफट हो गया, टाइमली काम हुआ है यहाँ पे। भैया गाड़ी में क्या काम हुआ, तो एक्सप्लेन करना वन बाय वन करके। गाड़ी में बेहतरीन जो अपना अच्छा सबसे अच्छा काम हुआ, वो तो हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग के अल्ट्रा कंफर्ट कार सीट कवर्स हुए है, इसका मैं आपको लुक अभी दिखाता हूँ। उसके अलावा हमने नीचे की जो फुल फ्लोरिंग होती है वो भी की है, जो कि आपकी कारपेट को भी प्रोटेक्ट करती है। उसके ऊपर हमने एक लाइफ लॉन्ग मैट्स लगाया है, जो कि एज टू एज फिटिंग आने वाली है उसकी। ब्लैक कलर में बड़ा ही यूनिक सा लुक आ रहा है। उसके अलावा इसमें एक बेस्ट्रूप डली है, डैम्पिंग हुई है, स्पीकर डले है, एम्प डला है, मतलब कि ओवरऑल एक अच्छा काम हुआ है, एक अच्छे बजट के अंदर। चलिए गाड़ी में दिखाता हूँ आपको काम। तो दोस्तों कार के अंदर चलते हैं फटाफट से। जैसे ही मैं कार को ओपन करता हूँ, डोर ओपन करूंगा, तो सबसे पहले हमको देखने को मिलेगी वेलकम लाइट, जो कि क्रेटा की बैजिंग के साथ मिलेगी। और लाइट देख सकते हैं कितनी ज्यादा इसमें एनहांस होकर निकल आ रही है। रात में काफी ज्यादा अच्छा मतलब फील कराती है लाइट जो आते हैं, इसको स्कफ लाइट भी बोलते हैं, वेलकम लाइट भी बोलते हैं, जैसे आप समझ सकते हैं। बाकी कार के अंदर ये हमारी फ्लोरिंग देख सकते हैं, लेदर फिनिश में फ्लोरिंग होने वाली है। अभी काम हुआ जिसके चलते यहाँ पे थोड़ी सी मट्टी वगैरह साफ हो जाएगी दोस्तों। और रही बात करना मैट की, तो लाइफ लॉन्ग जो है मैट रहने वाले इसके अंदर, देख सकते हैं काफी ज्यादा बढ़िया मैट रहेंगे। फिट एंड फिनिश मैट की आपके सामने देख सकते हैं, पूरी H2H कवर करता है ये। इसमें जितनी भी डस्ट है वो सारी इसमें रहने वाली, नीचे जाएगी नहीं। बाकी नीचे देख सकते हैं फ्लोरिंग हुई है, एज यू कैन सी डायमंड कट की स्ट्रेचिंग रहने वाली है इसके अंदर, बहुत ज्यादा बढ़िया। ऊपर की बात करते हैं तो यहाँ पर देखने को मिलेगा हमारे को बहुत ही ज्यादा बढ़िया विदाउट सिल्वर एकदम OEM फिनिश में हमारे को स्टेयरिंग कवर मिलेगा। देखने को ब्लैक कलर का रहने वाला है स्टेयरिंग कवर, और काफी अच्छी तरीके से इसको स्टिचिंग करा गया है, काफी अच्छी तरीके से इस पर बिठाया गया। देख सकते हैं कोई भी आपका हाथ स्लिप वगैरह बिल्कुल भी नहीं होगा, कहीं से कोई चीज अनइवन नहीं मिलेगी, एकदम एक्यूरेट जो है बिठाया गया यहाँ पे। काफी ज्यादा बढ़िया लगा देखने में जो हुआ। यहाँ पे सीट कवर मिल जाते हैं हमारे को अल्ट्रा सॉफ्ट वाले, देख सकते हैं सीट कवर देखने को मिलेंगे। इसकी फिट एंड फिनिश आपके सामने देखने में थोड़ा सा ये देख सकते हैं फ्लपी फ्लपी दिखाएगा, बट जैसे आप इसे बैठेंगे तो एक आपको ना बहुत ही अच्छा फील मिलने वाला है, काफी अच्छा कंफर्ट मिलने वाला है। बाकी थाई पैड की बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पे थाई पैड भी कितना अच्छे तरीके से यहाँ पे फिनिश करा गया है, और काफी ज्यादा स्पंची जो है ना सीट रहने वाली है। तो मुझे तो पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद आई है वाली सीट कवर। आप बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसा लगा ये सीट कवर। बाकी इस तरफ की बात करें तो यहाँ देख सकते हैं आप कितनी बढ़िया तरीके से फिट एंड फिनिश है, काफी यूनिक जो है ये लुक देती है कार को सीट कवर वाले, देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा बढ़िया रहते हैं सीट कवर। मतलब बकेट कवर तो हो गए आजकल कॉमन कराते हैं लोग, बट ये जो है ना अभी ट्रेंड में चल रहा है, इसलिए हर बंदा यही कार में यही करवा रहा है, क्योंकि भाई देखो सबको कंफर्ट चाहिए। लॉन्ग राइड पर आप कभी जाते हो तो भाई ये है कि कंफर्ट आपको अच्छा खासा मिलता है। बाकी थाई के लिए सपोर्ट के लिए काफी ज्यादा कुछ नहीं, देख सकते यहाँ पे हमें अपने को देखने को मिलती है। बाकी इसके अंदर लगी है JBL की बेस ट्यूब, जो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। JBL को बेस ट्यूब को चलाने के लिए हमने लगाया है सोनी का इसमें एम्पलीफायर, जो कि बहुत ज्यादा बढ़िया रहने वाला है। वायरिंग में कोई भी कटिंग वटिंग कुछ नहीं हुई है, सारी कपलर टू कपलर रहने वाली है वायरिंग। आना वो देख सकते हैं वहाँ पड़ी हुई कितनी मोटी जो है उसकी एम्पलीफायर की वायरिंग रहने वाली है। बाकी रही बात बेस ट्यूब की, तो मैं आपको दिखाता हूँ 1300 वॉट की रहने वाली है बेस ट्यूब हमारी। तो जैसे बूट को ओपन करेंगे तो हमारे को देखने को मिलेगी यहाँ पे JBL की बेस ट्यूब, जिसको 1300 वॉट की रहने वाली है JBL की ओरिजिनल बेस ट्यूब। थोड़ा इसको मैं घुमा देता हूँ, इन्होंने टेढ़ी लगा दी देख सकते हैं आप, तो 1300 वॉट की रहने वाली है बेस ट्यूब, ये देख सकते हैं आप। इसको घुमा देंगे, वैसे घुमा दो है ना, घुमा दो सीधी हो जाएगी, ठीक है। और इसको ऑपरेट करने के लिए, इसको चलाने के लिए हमने लगाया इसमें सोनी का एम्पलीफायर। वायरिंग आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा लंबी रखी हुई है, ताकि कभी भी बंदा जो है इसको एडजस्ट कर सकता है अपने अकॉर्डिंग सामान वामान के हिसाब से, ठीक है जी। तो दोस्तों अब नज़र मारेंगे एम्पलीफायर पर, तो एम्पलीफायर देख सकते हैं अगेन यहाँ पर जो है क्रेटा की बैजिंग के साथ हमारे को स्कफ प्लेट मिलेगी। और बाकी इसको सीट कर देते हैं पीछे कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पे देखने को मिलेगा हमारे को हमारा एम्पलीफायर, जो कि सोनी का रहने वाला है। इसका बॉक्स में अंदर दिखा दूंगा आपको। लगाए गए हमने गैलियो के जो है डोर वाइजर देख सकते हैं, ये डुअल टोन कलर में मिलेंगे आपको, ट्रांसपेरेंट ब्लैक, और ये लगा लो ऊपर क्रोम की फिनिश देखने को मिलेगी, जो कि बहुत ज़्यादा बढ़िया रहने वाली है। तो गैलियो के ओरिजिनल रहने वाले हैं डोर वाइजर, ये देख सकते हैं आप कितने ज़्यादा बढ़िया लग रहे हैं।
बस ना किया कि सोनेट भी आ रखी है, तो सोनेट के जो है ना सीट कवर लग रहे हैं यहाँ पे, बकेट सीट कवर डायमंड कट में मिलेंगे, डुअल स्टिच देख सकते हैं आप, कितनी बड़े तरीके से फिट एंड फिनिश भैया दे रहे हैं यहाँ पे, जो बात है कोई सिल्वर टिनो नहीं मिलेगी, बिल्कुल ओईएम फिनिश मिलने वाली है, देख सकते हैं सेम यहाँ पे जो जो चीज़ यहाँ मिलती है ना वही चीज़ हमने यहाँ पे फिटिंग करी है, फिट एंड फिनिश आप देख सकते हैं, बिल्कुल भी सिल्वर टिनो मिलेगी, देख सकते हैं बिल्कुल ओईएम फिनिश में यहाँ पे सेट करा गया, देख सकते हैं डायमंड कट यहाँ मिल जाएगा, डुअल स्टिच मिल जाएगी, बाकी आप देख सकते हैं आपके सामने है कलर कितना प्यारा लग रहा है, जो बात है अभी किया कि सोनेट आ रही है, बहुत ज़्यादा मिनिमम काम हुआ है, तो दोस्तों हमारी किया सोनेट में जो है काम हो गया है एकदम ओके वाली रिपोर्ट वाला, कार रहने वाली है टॉप मॉडल, ठीक है जैसे डोर खोलेंगे तो हमारे को मिलेगी यहाँ पे इसका प्लेट वेलकम लाइट जिसे बोलते हैं, सोनेट की बैजिंग मिलेगी और ब्लू शेड मिलेगा लाइट का, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़े लग रहा है, काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है भाई, मुझे तो पर्सनली पसंद आया, और जो शीट लेने वाली है ये थोड़ी सी ना मतलब ऐसी है कि हैवी चादर वाली से बोलेंगे, ठीक है काफ़ी हैवी मटेरियल की बनी हुई है सोनेट की ये बैजिंग के साथ, बाकी इसमें 70 जो है मैट डले देख सकते हैं आप, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगते हैं, इसमें डायमंड कट स्टिच मिल जाता है आपको, बाकी ये देख सकते हैं घास ग्रास वाला एरिया मिल जाता है, तो काफ़ी बढ़िया लगता है यहाँ पे अपना ना जूता जूता चप्पल जो भी है रगड़ सकते हो, उससे क्या मटी सब यहीं पर रहने वाली है, और बाकी एस टू एस कवर करता है भाई ये देख सकते हैं आप, नीचे रहने वाले स्टॉक वाले, और बाकी लाइट देख सकते हैं एम्बियंस लाइट लगी हुई है यहाँ पर, अभी मल्टी कलर पर सेट है, जैसे यहाँ से इग्निशन में बंद कर दूँगा तो बंद हो जाती है, इग्निशन ऑन कर दूँगा तो यहाँ पर ये ऑन हो जाती है देख सकते हैं आप, ठीक है जी, बाकी इसको ऑपरेट करने के लिए रिमोट ये पड़ा हुआ देख सकते हैं आप, रिमोट यहाँ मिल जाएगा हमारे को, जिसमें आप अपने अकॉर्डिंग जो है कलर चेंज कर सकते हो, फिलहाल इसमें रख देते हैं, बाकी जो है मैं आपको दिखा देता हूँ सीट कवर, सीट कवर देख सकते हैं आप यहाँ पे, सीट कवर बकेट सीट कवर रहने वाले काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी के सीट कवर रहेंगे देख सकते हैं आप, फिट एंड फिनिश आपके सामने कोई सिल्वर टोवर देखने को नहीं मिलेगी, बाकी डुअल स्टिच यहाँ पे यूज़ करके ये देख सकते हैं आप, डायमंड कट है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया देख सकते हैं आप, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया तरीके से सिलाई की गई है इसमें, तो मुझे तो पर्सनली काफ़ी पसंद आई है, बकेट सीट का जो है कमाल जो होता है वो इसकी फिट एंड फिनिश होती है, फिट एंड फिनिश आपके सामने है, बाकी यहाँ पे मिल जाएंगे आपको क्वेश्चन, ये देख सकते हैं हेडरेस्ट के ऊपर दो क्वेश्चन आगे मिल जाएंगे और दो क्वेश्चन पीछे मिल जाएंगे आपको, पीछे वाला भी चेक करा देता हूँ, इसको कर देते हैं बंद यहाँ पे दोस्तों, जैसे इसको ओपन करेंगे तो सेम हमारे को बैजिंग मिलेगी यहाँ पे सोनेट की, अगेन यहाँ पे इसका प्लेट है, इसके ऊपर पन्नी चुपकी हुई भी, पन्नी हटा देंगे तो एकदम क्रिस्टल चमकेगा, दिखा देता हूँ आपको मैं करके एक बारी, ये देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे देखो कैसी है, और यहाँ पे निकलने के बाद कुछ इस तरीके से मिलती है सोनेट की बैजिंग, और काफ़ी बढ़िया लगती है, काफ़ी प्रीमियम लगती है लाइट ये, अगेन यहाँ पे 70 मैट लग जाते हैं देख सकते हैं, एच टू एच कवर करा गया भाई ने, ऊपर तक लगा दिया यहाँ तक देख सकते हैं आप, तो काफ़ी अच्छा लगता है, अगर आप फ्लोरिंग नहीं करा रहे तो 70 मैट डलवाओगे तो उससे भी काम हो जाता है, बाकी फ्लोरिंग तो भाई मस्त है, ठीक है जी, बाकी पीछे तरफ चलते हैं यहाँ पे, तो यहाँ मिलता है हमारे को मैगजीन होल्डर देख सकते हैं आप, काफ़ी फिट एंड फिनिश बहुत ज़्यादा बढ़िया है, स्टिचिंग काफ़ी बढ़िया कमाल की गई है, कोई सिल्वर देखने को नहीं मिलेगी इसके अंदर, यहाँ देख सकते हैं आप कितना बढ़िया लग रहा है इसका इंटीरियर एक तरह देखने में, मतलब बकेट सीट लगने के बाद जो है काफ़ी ज़्यादा लुक इन्हेंस हो गया कार का, बाकी एम्बियंस लाइट आप बताना कमेंट सेक्शन में कैसी लग रही है, डैशबोर्ड के नीचे सेम यहाँ पे लाइट हमारे सीट के नीचे मिल जाती है लाइट देख सकते हैं आप, ये देखिए तो काफ़ी बढ़िया है, इसमें क्या है भी कलर चेंज होते रहेंगे देख सकते हैं आप, थोड़ा डिम पड़ेगा फिर ये हाईलाइट हो जाएगा देख सकते हैं, काफ़ी बढ़िया लगता है जो बात है, बाकी कुशन की बात करें तो कुशन देखो कितने ज़्यादा सॉफ्ट है, ये देखो एकदम स्पॉन्जी जो है हमारे कुशन रहने वाले, दो कुशन रहेंगे सेम फैब्रिक रहने वाला है कुशन का और सीट कवर का देख सकते हैं आप, बाकी पीछे की बात करें सीट की तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़िया हेडरेस्ट में यहाँ पे चेन दी है, मतलब जिपर का यूज़ करा गया है, जब चाहो जब रिमूव कर सकते हो, और बाकी यहाँ तो देखो लुक कितना इन्हांस हो रहा है, देखो डायमंड कट यहाँ पे कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है, फिट एंड फिनिश आपके सामने डुअल स्टिच है, ठीक है जी, और बाकी ये हो गया हमारा आर्मरेस्ट, इसके लिए नोब दे रखी है यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे कप होल्डर की फिटिंग देखो आप, देखो ये कप होल्डर की फिटिंग है कितनी बढ़िया लग रही है फिटिंग जो बात है, और अंदर देख सकते हैं फिट एंड फिनिश एक नंबर मिलेगी आपको, कोई भी फिटिंग के मामले में फिनिशिंग के मामले में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ इधर नहीं करा गया है, बाकी मैगजीन होल्डर दो मिल जाते हैं यहाँ पर एक यहाँ पर, जिपर का यूज़ कर सकते थे बट यहाँ पे कस्टमर के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने जिपर नहीं लगाई है, बाकी आप चाहो तो जिपर भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कार और इससे पहले जो क्रेटा दिखाई थी वो दोनों की दोनों पसंद आई होगी, इसमें भी बहुत मिनिमम टेस्टफुली काम कराया गया, कस्टमर के अकॉर्डिंग काम हुआ है, सीट कवर काम हुआ है, एम्बियंस लाइट लगी है, स्कफ प्लेट लगी है और आपके 70 मैट लगे हैं, उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली कार और ये वाला काम पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो वीडियो जरूर लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना, और यहाँ की जितनी भी डिटेल्स है सारी मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नंबर भी मिलेगा, करोल में दुकान रहने वाली है, आओ यहाँ पर काम कराओ, बहुत ही चीपेस्ट रेट पे बहुत ही अच्छा काम होता है, इस वजह से मैं दुकान को रिकमेंड कर रहा हूँ, मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल, राइड हार्ड, राइड सेफ, बड़ों की इज्जत करो, खुश रहो, बाय बाय।